सो गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। इस व्लॉग में हम लोग आए हैं फाइनली कहाँ, आपको पीछे देख के कुछ आइडिया लग रहा है। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बोला था, हम लोग आए हैं त्रिवेंद्रम में। और जिस जगह हम लोग आए हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे त्रिवेंद्रम में हम लोग आए हैं कोवलम में। तो व्लॉग शुरू करने से पहले हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का क्विज। तो आज का सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका अगर हम पहला वर्ड हटा दें तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महंगी चीज़ बन जाती है, और अगर हम उसका लास्ट का वर्ड हटा दें तो एक वो स्वीट डिश बन जाती है, और अगर हम उसका फर्स्ट और लास्ट दोनों हटा दें तो किसी लड़की का नाम बन जाता है। तो अगर आप लोगों को इस क्विज का आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, नहीं तो गूगल करके देखो अगर तुम्हें कुछ मिलता है नहीं मिलता, नहीं तो उससे पहले बहुत ट्राई करो, सोचो तो सही वो क्या चीज़ हो सकती है, नहीं तो थोड़ी देर आगे जाके वीडियो में मैं इसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो इसी के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। आओ मैं आपको लेके चलता हूँ, पूरा वॉक अराउंड कराता हूँ कैसी प्रॉपर्टी है, कितनी मज़ेदार प्रॉपर्टी है। तो ये है जहाँ पे हम लोगों ने अपना स्टे करा है, और ये है KTDC समुद्रा कोवलम। KTDC मीन्स केरला टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इनका ये होटल है, ये गवर्नमेंट होटल है केरला गवर्नमेंट का। ये एंट्री पॉइंट है इसका, और बाहर से व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल बीच के पास है, ये देखो ये जो रोड आ रही है बिल्कुल यहीं पे एंड हो रही है, ये रोड आई बिल्कुल यहीं एंड हो रही है, ये रहा हमारा बीच, और बीच के पास से ये एंट्री शुरू हो रही है। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री में। इसमें ये प्रॉपर्टी अपने आप में ये एक फुल फ्लेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। ग्रीनरी से भरी पड़ी है प्रॉपर्टी। ये इनका रेस्टोरेंट है, और यहाँ से ये देखो सामने व्यू। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं KTDC समुद्रा के अंदर। तो ये आप देख सकते हो, ये है इनका रेस्टोरेंट, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको। ये सारी सीटिंग कैपेसिटी है जहाँ पे लोग बैठते हैं, या जो हम आए थे तो वेडिंग फंक्शन भी चल रहा था, या प्रॉपर प्री वेडिंग शूट तक हो रहा था। पीछे देखो व्यू दिख रहा होगा आपको। वॉक अराउंड जो है वो बहुत ही मज़ेदार है, मतलब शाम को तो इतनी अच्छी हवा चलती है यहाँ पे कि आपको रूम के अंदर बैठने का मन ही नहीं करेगा। ये जो रूम्स है ये सी फेसिंग रूम्स हैं, ये देखो ये रूम्स, और इनके ऑपोजिट ये सी, यहाँ पे पूरा सी फेसिंग है। देखो स्पीड बोट भी चल रही हैं, उधर बोट के लिए एक्टिविटीज़ भी होती है, वाटर एक्टिविटीज़। हमने जो रूम लिया है वो लिया है सी फेसिंग, ये रहा सी फेसिंग, और ये रहा पीछे हमारा रूम, जो टावल दिख रहा है हमारा ही है। और यहाँ पे हम लोग रात में बैठे थे, हमने पूरा एंजॉय किया था। और यहाँ पे देखो आपको दिखाता हूँ मैं, हैंगिट्स भी है यहाँ पे, मतलब एंजॉयमेंट की आपको यहाँ पे कोई कमी नहीं दिखेगी। आप अपना आओ यहाँ पे सी फेसिंग हैंगिट पे अपना लेटो, स्विमिंग पूल भी है इधर, कुछ रूम्स इधर भी है पूल के व्यू के, और कुछ ये है सी फेसिंग जो हमारे हैं यहाँ से पूरा। और जो पूल की जो डेप्थ है वो 7 फीट तक दे रखी है, जो कि मैंने अभी तक किसी होटल में किसी रिजॉर्ट में नहीं देखी। मैक्सिमम हमने 5 फुट या 6 फुट ही देखी है, 7 फुट इज़ टू मच। बाकी मैं आपको लेके चलता हूँ, ये जा रहा है सीधा बीच की तरफ। बाकी कुछ रूम्स और प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी बनी हुई हैं इनकी, और ये इन्होंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं जहाँ पर हम सेल्फीज़ वगैरह ले सकते हैं फ़ोटोग्राफी के लिए। ऊपर लेके चलता हूँ आपको जहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। ट्रैकिंग भी हो जाती है यहाँ पे एक तरह से। तो ये आ गए हम इसके बिल्कुल कॉर्नर वाले पॉइंट पे, जो इन्होंने सेल्फी के लिए पॉइंट बना रखा है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी शिप पे हो, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप किसी शिप पे खड़े हो और ऐसे सामने से हवाएं चल रही हैं। रात में यहाँ पे खड़े होने का मजा ही अलग है। ये देखो पीछे आप देख रहे हो, पीछे पूरा समुंदर है और एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया हवा चल रही है, और ये व्यू जो है ना बिल्कुल एंजॉय करने वाला व्यू। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस रिजॉर्ट की वो ये है कि इसका एक अपना पर्सनल बीच है। हाँ आप सही सुना आपने, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ पर्सनल बीच। ये रास्ता जा रहा है यहाँ से आप एग्जिट करो, वो जा रहा है वहाँ से निकल के। ये सारे इसी होटल के कस्टमर्स हैं जो यहाँ पे आराम से सनबाथ ले रहे हैं,
और आपको ज़्यादातर फॉरनर्स मिलेंगे यहाँ पे। और दूसरी बात यह कि इकलौता ऐसा रिजॉर्ट है जिसका अपना प्राइवेट बीच है, तो आपको यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, आप अपना पर्सनल स्पेस एंजॉय कर सकते हो। और दूसरी बात यह कि जो मेन बीच है कोवलम बीच है, वो कोवलम बीच है, ये जो रिजॉर्ट आप देख रहे हो इस रिजॉर्ट की बैक साइड पे कोवलम बीच है जहाँ हम अभी थोड़ी देर में जाएंगे। और अब मैं बताता हूँ सबसे बढ़िया बात इस होटल की या इस रिजॉर्ट की, वो ये है कि आप देख रहे हो वो होटल सामने, वो आपको होटल दिख रहा होगा मेरे पीछे इधर, वो है लीला का होटल। और सेम यही प्रॉपर्टी है, वो भी इसी तरह का एनवायरनमेंट वो लोग भी प्रोवाइड करते हैं कि बीच है, सी फेसिंग है। और उसका जो रेंट है वो पर डे का कम से कम 10,000 रुपये है, जो मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था। 10,000 रुपीज़ में आपको वो सेम यही चीज़ प्रॉपर्टी देंगे, यही एनवायरनमेंट देंगे, यही पूरा लश ग्रीन प्रॉपर्टी होगी। लेकिन ये KTDC समुद्रा जो है आपको 2,500 से 3,500 रुपये के बीच में मिलेगा और फर्स्ट क्लास एन्जॉयमेंट होगी आपकी। अगर आप कोवलम या ट्रिवेंड्रम आना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो इससे बढ़िया प्रॉपर्टी कहीं नहीं हो सकती इस प्राइस में। क्योंकि इसकी अच्छी बात मैंने आपको जैसे बताई, प्राइवेट बीच है, पूल है, हैंगेट्स वगैरह सब कुछ है, आप अपना आराम से आओ, एंजॉय करो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको बहुत मज़ा आएगा। तो डिसएडवांटेज इस होटल का या इस रिज़ॉर्ट का मैं ये कहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो जिसके रूम्स है वो आपको लैविश नहीं मिलेंगे, बहुत बेसिक रूम्स है, क्योंकि 3-स्टार रिज़ॉर्ट है तो रूम्स भी उसी हिसाब से इन्होंने बना रखे हैं। और गवर्नमेंट का रिज़ॉर्ट है तो आप समझ सकते हैं कि अंदर से इंटीरियर इसका कैसा होगा। मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा इस प्रॉपर्टी का वॉक अराउंड, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरा रूम है उससे क्या व्यू आता है। तो आओ चलते हैं हम अपने रूम की तरफ। एक तो ये है जो बड़ी कॉमन बालकनी है, जहाँ पे कोई भी आ सकता है, अपना आराम से बैठे शाम को और अपना सी साइड व्यू एंजॉय करें। बाकी जो पर्टिकुलर रूम्स के वो व्यू हैं, जो इंडिविजुअल रूम्स के व्यू हैं, वो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये है हमारे रूम का व्यू, देखो सामने पूरा सी साइड व्यू है, इधर आपको पूल दिख जाएगा। यहाँ पे जो रूम्स हैं, अगर आप बिल्कुल साथ में आपने रूम्स ले रखे तो आप बालकनी भी शेयर कर सकते हो, अपने जा सकते हो। बाकी जो व्यू है ना, ये ब्रेथ टेकिंग व्यू है, अमेजिंग ऐसा व्यू, वो भी आपको 2,500 से 3,500 रुपये में कहीं नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं, जो आपको ये रिजॉर्ट दे रहा है। यूजली क्या होता है, आप दूसरे होटल्स में जाओगे तो आपको सी साइड व्यू के अलग चार्जेस मिलेंगे और नॉर्मल सी साइड व्यू के अलग चार्जेस मिलेंगे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे बुकिंग कराओ, आओ और आप इनसे रिक्वेस्ट करो कि यार आप हमें रूम्स दिखा दो और जो हमें ठीक लगेगा वो हम लेंगे। तो सबसे अच्छी बात यही थी इनकी कि इन्होंने हमें पूल साइड व्यू भी दिखाया, वो हमने मना कर दिया, फिर सी साइड व्यू दिखाया, तो जो जो अवेलेबल थे उसमें सबसे बेस्ट व्यू यही था और हमने ले लिया। तो आप बताओ, इस चीज़ के लिए इन्होंने इतना सपोर्ट करा है कि आपको किस साइड के व्यू का रूम चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा वेजिटेबल या फ्रूट है जिसका अगर हम पहला अक्षर हटा दें तो वो एक बहुत महंगी चीज़ बन जाती है, और अगर सिर्फ लास्ट का वर्ड हटाते हैं तो वो एक स्वीडिश बन जाती है, और अगर दोनों फर्स्ट और लास्ट दोनों वर्ड हटाते हैं तो एक लड़की का नाम बन जाता है। तो वो चीज़ है खीरा। देखो, आप खीरे का अगर आप ए हटा दोगे तो वो हीरा बन जाएगा, जो कि बहुत महंगी चीज़ है, और अगर आप सिर्फ लास्ट का ए हटाओगे तो खीर, जो कि स्वीट डिश है, और ये अगर आप दोनों हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, सिर्फ हीर, जो कि एक लड़की का नाम है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये पहेली, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जो अभी आप लोग जो खड़े हैं ट्रिवेंड्रम में कोवलम बीच के पास, ये वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस है केरला का, और इसको वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आगे कोवलम बीच जाके कि कितना क्लीन है, कितना साफ़ सुथरा बीच है, और बहुत ही हॉट फेवरेट आप कह सकते हो बीच है ये, ख़ासतौर पे जो नॉर्थ से लोग आते हैं केरला में, उनके लिए तो ये जगह जन्नत है। मैं बताऊँ, 2 दिन 4 दिन आप रहो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। तो इसी के साथ इस वीडियो को देखते रहो, आगे हम चलेंगे कोवलम बीच पे। अगर आपको इंडिया में बाली का मज़ा लेना है ना, जो बाली में नूसा पेनेटा आइलैंड है और क्लीनेस्ट एरिया इन बाली, जहाँ पे बहुत सुंदर ब्लू पानी है, उसका अगर मज़ा आपको इंडिया में लेना है तो ट्रिवेंड्रम में ये कोवलम हवा बीच समुद्र, यहाँ का पानी एकदम ब्लू है, ब्लू। ये हम
एड पोस्ट जो होती है लाइफ गार्ड होती है उस पर खड़े हुए हैं। उसकी हाइट है ये, ये है पूरा हवा बीच एंड दिस इज कोवलम बीच, वो है कोवलम का लाइट हाउस। ये जो पीछे है ये है कोवलम की एंट्री और यहाँ पे पूरी पार्किंग बनी हुई है, पूरी फैसिलिटी है। यहाँ से आप लोग चाहे यहाँ पे जाओ और आगे भी जाके हमें काफ़ी अच्छी मार्केट है यहाँ पे। अभी आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है पूरा कोवलम बीच, कोवलम लाइट हाउस बीच बोलते हैं इसको, और बहुत ही हैपनिंग बीच है। आप देख रहे हो यहाँ पे लोग इन्होंने नेट्स लगा रखे हैं, नेट लगा के वो फिशिंग कर रहे हैं, और जो जो लोग यहाँ पे घूम रहे हैं उनसे बोल रहे हैं आप भी आ जाओ ज्वाइन कर लो, हेल्प करा दो। बहुत मज़ा आया, हमने भी थोड़ा सा किया। यहाँ पे आप क्राउड देख सकते हो, सारे फॉरनर्स इंडियन सब मिक्स हैं और नीट एंड क्लीन बीच है यहाँ पे। और ये पीछे आप लोग देख सकते हो, देखो खाने पीने के हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे, और पानी बहुत साफ है, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और हम बाद में फिर आपको दिखाता हूँ अपने होटल का प्राइवेट बीच। यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ होगी हमारे साथ, हमने बीच से होटल के लिए ऑटो पूछे तो उन्होंने हमसे मांगे 150 रुपीज़। इतने में पीछे कैब वाले भैया आए, उन्होंने बोला आप मुझे 100 देना मैं छोड़ दूंगा। यार हम तो सरप्राइज ही हो गए, अब 100 रुपये में इनोवा जैसी गाड़ी मिल गई और क्या चाहिए। बहुत ही सुंदर जगह, बहुत सुंदर जगह, मजा ही आ गया, मजा आ गया। इटली अगर किसी खोपड़ी में गिर जाए तो नारियल एकदम सीधे सारा ऑरेंज हो गया। वाह मजा ही आ गया। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बात बोलता हूँ कि ये जो जगह है ना, ये अपने आप में पूरी एक डेस्टिनेशन है। मतलब आप यहाँ पे आओ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं आपको प्राइवेट बीच भी मिला, हमने देखा पूल भी मिला, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, रात को आप एंजॉय करो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को कोवलम बीच और ये KTDC समुद्रा की प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को कर दो लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।